इसमें मैंने एक चम्मच बेसन, एक चम्मच घी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मैंने इसमें जीरा, कस्तूरी मेथी, अब ये पनीर, ये डाल के हम इसको घुमाकर प्लेट में रखेंगे, उसको मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट रखना है ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से ये मिल जाएगा और प्लेट में चाय इसमें इस तरह से रख दें, उसको बनाएंगे फिर। ये मैंने घी गर्म कर दिया, अब इसमें ये मैंने मैरिनेट करके रखा था, इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दही बेसन में मैरिनेट करके रखा था, ये मेरा 200 ग्राम पनीर है। अब हम उसको भर देंगे, जहां जहां से वो सिक जाएगा अपने आप पता चल जाएगा। हमें इसका रंग इस तरह से चाहिए, लाल हमें इस तरह से ही चाहिए। अब इसका घी निकाल देंगे और उसको अलग से कर देंगे। अब प्याज डालेंगे, अभी हमने घी सारा निकाल दिया है क्योंकि हम दही डालेंगे ना, उसमें से भी घी निकलता है, मलाई में से घी निकलता है, ऐसा हम नहीं डालेंगे, इससे ज्यादा घी भी हो जाएगा। हम इसको हल्का सा पकाएंगे, पाउडर लाल मिर्च पाउडर, नमक, चिकन ग्रीन मसाला, टमाटर, डालेंगे एक चम्मच मलाई, एक चम्मच दही। अब हम इसको घुमाते रहेंगे धीमी आंच पे जब तक इसका घी न निकला। अब हम कोयले को यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, इसकी इसकी खुशबू आएगी। हम इसमें शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे,